बन रहा है पापा जी के लिए, और ये घी गरम किया है। और अभी दूध मीठा करना है क्योंकि शाम को सब दूध पी के तभी सोते हैं, बिना दूध पिए हुए नींद नहीं आती शाम को। सबको ऐसी आदत होती है गाँव में कि बिना दूध पिए किसी को भी नींद नहीं आती। तो अभी हम दूध मीठा करेंगे सबके लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। और वीडियो ये अब सुबह से शुरू की है, जो थोड़ी सी क्लिप शाम की थी वो मैंने पहले ऐड कर दी, और ये अभी सुबह से शुरू किया है व्लॉग। और यहाँ पे झाड़ू लग रही है, इधर तो लगा दिए हैं, कनेर पे फूल आ रहे हैं। वैसे अब सावन चलेगा तो फूल मंदिर में जाया करेंगे, तो मंदिर के लिए भी चाहिएंगे, तो अच्छा है, फूल आ रहे हैं इस पर। और पता नहीं क्यों झड़ जाते हैं साथ के साथ ही फूल, देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं नीचे। और इसे देखिए कहाँ रखा है कटरा, सॉरी कटरा नहीं कटिया। तो अभी दोपहर में बन रहा है आज कटहल, तो मैं कटहल काट रही हूँ और आलू टमाटर की सब्जी भी काट के रखी हुई है। आलू टमाटर बनाऊंगी, और ये कटहल मैंने अपने लिए ही लिया था, थोड़ा सा ही लिया था मम्मी ने, आधा किलो, क्योंकि यहाँ पता नहीं कोई खाएगा या नहीं, पहली बार ही बन रहा है यहाँ पे तो। और हमारे घर यानी कि मेरे मायके में तो बनता रहता था, तो मैं खाती रहती थी और मुझे पसंद भी है कटहल की सब्ज़ी। पर तब से शादी हुई है तब से ना तो कटहल बना यहाँ पर और ना ही मैंने खाया है। आज पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ और यहाँ पर तो पहली बार ही खाऊँगी, अपने घर तो खाती थी। अब ये देख लीजिए, 14 साल हो गए मेरी शादी को और इन 14 सालों में यहाँ कटहल एक बार भी नहीं बना, और आज भी मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही खाया था और मेरा बहुत मन कर रहा था। तो इसी वजह से जब मैंने देखा मम्मी सब्जी ले रही थी तो कटहल देखते ही मैंने फिर मम्मी से बोल दिया कि थोड़ा सा कटहल ले लो मैं खा लूँगी। मम्मी कह रही थी कि यहाँ पर कोई नहीं खाएगा, तो फिर मैं कहने लगी मेरे लिए ले दो थोड़ा सा, और फिर ये सबको पसंद आया। बाद में जब मैंने बना लिया ना, बच्चों को भी अच्छा लगा और सब ने खाया थोड़ा थोड़ा सा। और सबसे मुश्किल काम ना इसे काटने का ही है, और मैं पहली बार ही काट रही हूँ। काटने का भी बस मुश्किल नहीं है, दरांत होता है उससे तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। मैं चक्कू से काट रही हूँ, तो चक्कू पे भी तेल लगा रखा है सरसों का, और हाथों पे भी तेल लगा रखा है। सरसों के तेल से काटने में भी आसानी रहती है इसे, और चिपकता नहीं है चक्कू पर। तो यहाँ पे ये कट हो चुका है और मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि पहले से करूँगी मैं फ्राई, और ये मैंने फ्राई कर लिया है और ये दोबारा डाला है दूसरा, तो ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद छौंक बनाएंगे, मसाला तैयार करना है अभी इसका। तो मैंने यहाँ दो प्याज का मसाला बना लिया था, लहसुन नहीं था, बस प्याज का ही मसाला है। और अभी इसमें सूखे मसाले ऐड करके कटहल में छौंक लगा दूँगी। थोड़ा सा हींग डाल दिया है मैंने, मसाला हो चुका है, भुन चुका है छौंक, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये तेल छोड़ने लगेगा मसाला, उसके बाद मैं इसमें कटहल ऐड कर दूँगी। पानी तो डालना नहीं, सिमाच करके फिर इसको सिमाच पे ही पकने देना है। तो अभी यहाँ पे मसाला पूरी तरह से नहीं हुआ था, ये जब तेल छोड़ने लगेगा तभी मैं इसमें कटहल छोड़ दूँगी और इसको फिर ढक के रख दूँगी, तो उसी आँच पर बन जाएगा ये। कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो ज़्यादातर हमारे घर पे बनता था, मम्मी बनाती थी तो ऐसे ही बनाती थी जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और टेस्टी बहुत बना था। जैसे कि आज
जैसे मैंने पहली बार बनाया तो टेस्टी बना था। और कटहल ना मुझे तो ये ठीक तरीका लगा, इसको ऐसे कट करके और फिर मसाला तैयार करो, भून के और छौंक लगा दो, तो 15 मिनट में सब्जी तैयार। और बस अभी यहाँ पे हो चुका है, तो थाली तैयार है फ्रेंड्स, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए खाना। कटहल, आलू टमाटर, खीरा, चटनी, मट्ठा, आइए और स्वाद लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं ये साड़ी तैयार कर रही हूँ फोन लगा के। लग गई चोट, तो हम जा रहे हैं पप्पा जी को देखने के लिए। विभू की भी बुझा रहा है, तो धूप हो रही है, तो मैं टोपी लगा के जा रहा है हमारा लड़का। बस यहाँ इतने सारे कपड़े हैं, फिर इन पर प्रेस भी ऐसी होती है। तरेड़ वाओ, डिजाइन देखो हमारे कपड़े में कितना सुंदर डिजाइन हो रहा है दीवार का। क्या देखा, खराब है के? अजी इतनी बढ़िया नीचे कह रही है, चाहे वैसे ही पागल सी हो रही हो मैं, क्या पता कीड़ा ना भी हो जाए। तो आज यहाँ जिया और किट्टू में चल रहा है कंपटीशन के कौन सबसे पहले कटे हुए आम खाए। आम पहले इन्होंने काटे और अब खा रही हैं दोनों, तो कौन हारता है कौन जीतता है दोनों में कंपटीशन चल रहा है। और ये दोनों ही आम खाने में पक्की हैं, दोनों को ही बहुत पसंद है, दोनों को क्या घर में सभी को पसंद है, पर किट्टू सबसे ज़्यादा वो है आम खाने में और जिया भी। अरे इसके हाथ में छुट नहीं जाता ना ये बना पे कनिष्का की तरह। हां कनिष्का खड़ी खड़ी गिर जा, हंसी ना दुआ है, नहीं तो यही लग जाएंगे मुंडे, फिर तो लगेगी मुंडी आज। एक गिरे क्या करना है इसका, क्या करेगा इसका है बिबू, क्या करोगे इसका? अभी का पिएगी इसमें दूध। अभी का बैठ गई लेके बोलता दिखाइए जम्मन, इतने उनके पेड़ पानी रहेगा तो पेड़ चारा क्यों लाया दलिया। और आप सब पूछ रहे हैं कि चैनल क्यों बनाया है दूसरा, तो वो भी आप सबको मैं बताऊंगी। चला जा कटून ना, वीडियो बना ले कटून ने कहते वीडियो बना लो नीचे नहीं गिरते, नीचे नहीं, नीचे किनारा खा रहा हेलो एवरीवन, तो वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और आप सब पूछे हैं आपने दूसरा चैनल क्या बना क्यों बनाया है, तो उसकी भी ज़रूरत थी क्योंकि ये वाला चैनल कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया, तो अभी सोची हूँ कि देखती हूँ दूसरे चैनल पे मेहनत करूँगी वो अच्छा चल जाए।
क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आपके दूसरे चैनल का क्या नाम है, क्या आईडी है, तो उसका वो है आराध्या कोलियान, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर भी आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी। अभी मैं उसमें लगी हुई हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इस चैनल पे आप सबको क्या पसंद आए, क्या दिखाऊँ उसको आप बताइएगा कमेंट करके, आपको क्या पसंद है और क्या आप ज़्यादातर देखना चाहते हैं। बाय बाय।